पंडित जी, गिरी जी, अगर है आप में दम तो आओ मैदान में। मोहम्मद की पवित्र तरीन सीरत का तस्करा तुम्हारे ग्रंथों से तुमको बताता हूँ मैं, और कहूंगा उस तरह यस्य परवाही जो वधुमंत द्वीर दश वर्ष समार तस्य देवी झेड़ती देवी विष्माना उपस पुरुष देखो उठाकर ऐश ईशा इमाम है शतन निष्कान उदश तरज त्रिनिष्ठान निवर्ताम सहस्त्रा दशका है। ऐ कोई माए का लाल, आए थे कृष्ण जी भी, आए थे रामचंद्र जी भी, आए थे बजरंग बली भी, आए थी दुर्गा माता भी, जरा बताओ इस धरती के ऊपर है कोई ऐसा माए का लाल? आए थे वो कौन? जैन स्वामी महावीर जी आए थे, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ आए थे, हमारे भारत के अंदर विवेक पंडित विवेकानंद स्वामी जी आए थे इस धरती के ऊपर, पंडित दयानंद सरस्वती जी भी। किसी की जिंदगी के अंदर इतना बड़ा पैगाम है? नहीं है। अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, नबी की जिंदगी पर एतराज करने से पहले जरा खंगाल कर देखते क्या बोलता है वो, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से बहुत ज्यादा प्यार उनको होता था। आप अली सलाम और के ख्वाहिशमंद थे, औरतें मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत पसंद थी। नऔज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लानल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात। जवानी है आपकी 25 साल की, आपको सफर में भेजा गया मुल्क शाम, खदीजतुल कुबरा भी निकाह नहीं हुआ। खदीजा का ये मक्का के सबसे मालदार औरत थी, सबसे बड़े ट्रेडिशन का काम इनका था, तिजारत का काम था। इन्होंने देखा कि एक ईमानदार है, चूंकि फ्रॉडी लोग ज्यादा होते थे, माल के अंदर बेईमानी कर लेते थे, तो अम्मा खदीजतुल कुबरा ने सोचा कि अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो सादिक है, जो अलामीन है, अगर मैं इनके हवाले कर दूं तो हमको ज्यादा प्रॉफिट और मुनाफा होगा। तो खदीजतुल कुबरा ने फैसला किया और अपने एक गुलाम मैसरा को साथ कर दिया कि जाओ मोहम्मद के साथ मुल्क शाम, वहां पर जाकर माल फरोख्त हो, वहां से मुनाफा करके लेकर आना। और कहा कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अभी नबी नहीं बने हैं, अभी एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, 25 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान, खूबसूरत शक्लो सल वाला, शक्लो सूरत वाला। खदीजतुल कुबरा ने कहा मैं ये गुलाम तुम्हारे साथ करती हूँ, जाओ जो जरूरत पड़े इनको कहना। जब गए मुल्क शाम, अपनी अकलमंदी से टोटल माल को बेचकर और फिर वहां से अच्छे माल खरीद कर अच्छा मुनाफा लेकर जब पहुंचते हैं, जब खदीजतुल कुबरा ने देखा कि हमको इस बार 2-3 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ, तो खदीजतुल कुबरा ने जब 3 गुना मुनाफा जिसको हुआ तो डबल उजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी, तो वो समझ गई कि ये नौजवान बड़ा शार्प माइंड है, ये नौजवान हमारी तरक्की को अर्श के ऊपर लेकर जा सकता है। इसीलिए उन्होंने फौरन निकाह का पैगाम भेजती है वो किनको, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, कि निकाह कर लें तो हमारे प्रॉफिट तिजारत के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारे बिजनेस आगे बढ़ जाएगी। ये निकाह का पैगाम खदीजा के तरफ से था। यतीन सिमारन गिरी जी, दीपक त्यागी साहब, मोहम्मद के तरफ से नहीं था, खदीजा के तरफ से था। और फिर हजरत ख्वाजा अबू तालिब, हजरत अबू तालिब के पास ये पैगाम पहुंचता है, तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह और अम्मा खदीजा का निकाह पढ़ाते। कितनी उम्र है जी मोहम्मद रसूलुल्लाह की? 40-25 साल। और खदीजतुल कुबरा की उम्र कितनी है? 40 साल उनकी और 25 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र है। अब बताइए, एक 40 साल की औरत है और एक मोहम्मद 25 साल के, कितना डिफरेंट? 15 साल का, और वो भी 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी और बच्चे भी थे, यानी मोहम्मद औरत। आज किसी नौजवान से कहिए जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ऐसा हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, अमानतदार हो, दयानतदार हो, अगर उससे कोई यूँ कहे कि किस्मतपुर का कोई जवान फना औरत है, बेवा है बाबू, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, तुमको उनसे निकाह करना तैयार होगा? वो अपना मुंह मोटरसाइकिल के नीचे देख के खुदकुशी कर लेगा, लेकिन जल्दी तैयार नहीं होगा। क्यों? वो कहेगा आई एम अ यंग पर्सन, मैं इतना नौजवान हूँ, मैं बेवा औरत से क्यों शादी करूँ? वो भी एक नहीं, 2-2 मर्तबा। क्यों? मेरे माथे में कुछ लिखा हुआ है क्या? मैं जवान हूं,
कुमारी औरत से शादी करूं, कुमारी लड़की से शादी करूंगा, बिल्कुल। लेकिन देखिए, चूंकि पैगाम देना था पूरी दुनिया के इंसानों को, क्योंकि जानता था अल्लाह तबारक व ताला कौन पैदा होगा, सलमान रुश्दी पैदा होगा, तस्लीमा नसरीन पैदा होगी, और ये वसीम आनंद रिजवी पैदा होगा, जीतंदर सिंह, जीतंदर नारायण सिंह त्यागी ये पैदा होंगे, ये तीन नरसिम्हानंद दीपक त्यागी पैदा होंगे, ये ऐसे लोग पैदा होंगे, ये एतराज करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया, मोहम्मद की जिंदगी चूंकि रोल मॉडल बननी थी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, इसीलिए निकाह का पैगाम खदीजतुल कुबरा से दिलवाया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जवानी की उम्र में पूरी की पूरी जवानी, अगर मोहम्मद औरत के शौकीन होते, ज़रा ये जवाब दो मेरे इस सवाल का, जवाब देना पड़ेगा नबी की जात पर एतराज करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर औरत के शौकीन होते तो आप पूरी जवानी एक बेवा औरत के साथ, 54 साल आपकी जब उम्र हो जाती है, इसी एक बीवी के साथ, इसी एक शरीक हयात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। है कोई माए का लाल, उठाओ तारीख देखो, इंसाइक्लोपीडिया देखो, महापुराण भविष्य महापुराण देखो, गुरुर पुराण देखो, मत्स्य पुराण देखो, भागवत पुराण देखो, किसी भी किताब को देखो, बल्कि तुमको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा कहीं पर अमन और शांति मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़िंदगी से, अगर नौजवानों को, इंसानों को एक दिशा अगर मिलता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से वो दिशा मिलता। अगर औरत के शौकीन होते तो बताओ कुमारी औरत से शादी की जाती, अम्मा आयशा से पहले निकाह करते, चूंकि वो कुमारी थी, लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जो मेरे मुकद्दर में है, जो मेरा जो ऑर्डर है, मेरे चचा मोहतरम अबू तालिब से कहते आप निकाह पढ़ाइए। निकाह पढ़ाया जाता है 40 साल की औरत के साथ एक नौजवान का रिश्ता होता है, चूंकि वो सिर्फ नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो 1450 साल बाद में आने वाले दासना के मठ में बैठकर इन लोगों के बकवास को जवाब देने वाले मोहम्मद की जिंदगी थी। ये त्यागी साहब अपने आप को बोलते आए मैं ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम त्यागी हो, और त्यागी बिहार बंगाल में भूमिहार को बोलते हैं। ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मण माँ के कोख से पैदा होता है, ब्राह्मण बाप के माँ से मिलने से पैदा होता है। सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं होगा, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ। वसीम आनंद साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में एग्री किया एक 40 साल की औरत के साथ, आपने पूरी जवानी एक उम्र दराज एक मुअम्मर औरत के साथ गुजार दी। किस लिए? ये पैगाम देना था पूरी दुनिया को कि ए जवानों, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तुम्हारी जिंदगी में कि अगर तुम जवान हो और किसी ऐसी औरत से तुम्हारा निकाह की अगर बात आ जाए तो उस वक्त पीछे हमारी जिंदगी उठाकर देख लेना। क्यों? मैंने खुद मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 40 साल की मुअम्मल औरत से शादी की। इसीलिए अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के बारे में कहा गया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन उसवा है। कहाँ पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर बहुत बेहतरीन निज़ाम। लोग नहीं मानते तो इनकी जहालत है, इनकी बकवास है और इनकी अदावत है जो नहीं मानते, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र तरीन सिफात इनकी किताबों में नहीं है, इनकी किताबों में है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर बताने पर आऊँ तो कम से कम 15 से 20 पचासों और सैकड़ों श्लोक और ऐसे उपदेश मौजूद है इनके शास्त्रों के अंदर, जहाँ पर मोहम्मद की पवित्र तरीन सिफात का, उनके विशेषताओं का जिक्र इनके ग्रंथों के अंदर मौजूद। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम, मोहम्मद अंधकार को खत्म करेंगे। अहमिदी पृष्ठुति मेगा मर्दस्य जगरम्बम सूर्य वाजानी, सूरज की तरह रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैलाएंगे, और वह कौन होंगे, उनको मानना क्या ज़रूरी होगा? जी अहमिदी पृष्ठुति
वैदाहम में पुरुष महानिमा महान होंगे, पुरुष महानिमा आदित्यो वरुण तपस्या प्रस्ताद, और वो कौन होंगे? वो दाढ़ी वाले होंगे, लिंग श्री शिखाहीना शरुधारी सदूषका उच्चलापी अजान वाले होंगे, सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामं मुसलनेव संसकारा कौशैरी भविष्यति तस्मान् मुसलमंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात् धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्दा स्कौ नमः नराशन संवाजिनं वाजेन्नि शैदीरं पूषणं सन्मेरी मे रथं न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता नराशन महाप्रियमसि यज्ञे साफ साफ लफ्जों में उनके पवित्र तरीन सिफात का इतस्मिन नत्रे मले चाचार्यन समन्विता महामदैत कियात शिष्यो साक समन्विता धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेता युत्सव बामका पांडवाशे किम कुरुवत संजय कुतस्त्वा कश्मलिदं विश्मे समुपस्थितं अनार्य जुष्टं सुवर्गीयं कीर्ति कर्मजुनः पार्थनै तत्वयुपद्येते किरेव्यं मास्मा गमः शुद्रो दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम साफ साफ लफ्जों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा है ना वो गिरी जी की किताबों में, इसका मतलब है कि वो पढ़ते नहीं जानते नहीं, बस आ गए अपनी एक झूठी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कि बस चलो कोई चीज़ नहीं मिले तो अपने आप को फेमस करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दो चार वर्ड बोल दो पूरी दुनिया में फेमस हो जाओ।